Hey, what's up guys, तो क्या हाल चाल, मैं मिस्टर लोन और मैं फिर से नए पढ़े लिखकर। तो पहले स्वागत है आपका लोन गेमिंग हर चैनल में। यार बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ख़तरनाक सीरीज़ में जो कि आर्क सर्वाइवल एवॉल्व का पार्ट 4 है ये। तो यार पहले 3 पार्ट हम इसके बना चुके हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं यार। अगर आपको वो भी देखना है तो यार जरूर देखिएगा, वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार हाँ, हम करते हैं स्टार्ट अभी। तो यार देखिए, आप मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेट किया है, मतलब चेंज किया है अपने मेंशन को। तो यार एक मैंने ये बिग चेस्ट लगाया था, मतलब लार्ज स्टोरेज बॉक्स, और यार एक बनाया था फ्रिज जो कि हमारे खाने को ख़राब होने का मतलब बचाता है बहुत ही ज़्यादा टाइम तक। और थोड़ा बहुत ये चीज़ तो आपको जानते हैं यार, जिसमें हमने अपना थोड़ा बहुत सामान बनाया। तो यार यहाँ पर स्मिंटिंग पेस्ट भी अपना हमने अनलॉक किया है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वो कैसे, इससे हम यार बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं, ये तो आसान है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो यार चलते हैं यहाँ पर, और ये देखिए भाई लोग हमारी डायनासोर्स की सेना। और ये जो पिछली बार हमने एक डायनासोर पकड़ा था, याद है आपको, मतलब दो पकड़े थे, एक को तो यार किसी और डायनासोर ने मतलब मार दिया। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसका लेवल अप पहले तो करते हैं, ओके इसका लेवल अप हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अब हो गया लेवल 22 का, तब ये लेवल 12 का था और बहुत ज़्यादा अच्छा। और इसे तो आप जानते हो यार, ये छोटू बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन सबको। ओके तो इसका भी लेवल अप हो चुका है, डोडो का भी। तो डोडो का लेवल अप करते हैं, और डोडो का स्टैमिना नो यार, इसका हम हेल्थ बढ़ाएंगे क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके तो भाई लोग, इसकी हमने हेल्थ बढ़ा दी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डायनासोर। ओ भाई साहब, अबे भाई नाइस। ओके तो भाई लोग, मैं बताना चाहता हूँ कि ये पैरासोर्स भी मैंने पकड़ा था, मतलब यार ये डायनासोर्स ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, हम खतरनाक डायनासोर पकड़ना चाहते हैं। एक और पैरासोर्स मैंने पकड़ा था जो उसके मतलब ज़्यादा लेवल का है, ये लेवल 29 और अभी ये लेवल 30 का हो चुका है बस। ओके तो हम पहले तो इसकी बढ़ाते हैं मूवमेंट स्पीड ही बढ़ाएंगे यार अभी, क्योंकि हम इसके भी थोड़े टाइम तक राइड करने वाले हैं। सैडल हमने बना दिया था। और भाई लोग ये देखो, ये है प्योमिया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, इसकी भी हम लेवल अप करते हैं। और सबसे पहले इसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ाते हैं, अगली बार हम बढ़ाएंगे इसका स्टैमिना, मतलब जैसे लेवल अप होगा। यार ये बहुत ही ज़्यादा सही है, वो कैसे सही है, अबे तेरी तो रुक जा। ओके तो पहले तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसकी राइड कर रहा हूँ, और यार इसकी राइड करने में जो मज़ा आता है वो आप देखिएगा अभी। ओके तो पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो यार इस बार हम करेंगे कुछ खास, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, ज़बरदस्त। वो क्या यार, हम इस बार एक कह सकते हैं आप फ्लाइंग डायनासोर को पकड़ेंगे यार, जो कि हमें पिछली बार पकड़ना था, लेकिन पिछली बार हमारे कोई हाथ में नहीं आया था। तो यार हम चलते हैं नदी की ओर, क्योंकि नदी की ओर बहुत ज़्यादा फ्लाइंग डायनासोर्स आते रहते हैं, और वहाँ पर ही हमें एक अच्छा सा डायनासोर मिल जाएगा। यहाँ पर दो बहुत ही खतरनाक मतलब रैप्टर भी घूम रहे हैं यार, और रैप्टर से बचना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी मदद से मैं बहुत ही आसानी से थैंक्स और वुड कलेक्ट कर सकता हूँ यार, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके तो इसका स्टैमिना भी इतना नहीं है, हम इसका स्टैमिना भी बढ़ाते रहेंगे, इस बार हम स्टैमिना ही बढ़ाएंगे, स्टैमिना और मतलब इसकी स्पीड, जो कि हमें राइड करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। ओके भाई, हमें हाइट भी चाहिए और एक चाहिए फ्लाइंग डायनासोर। पहले तो देखते हैं हमें फ्लाइंग डायनासोर यहाँ पर मिलता है या नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और नदी की ओर तो यार बहुत ही अच्छे अच्छे डायनासोर्स घूम रहे हैं, मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी हैं वही डायनासोर सब नदी के पास हैं, कोई अलग सा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अलग सा भी यहीं कहीं घूमते हुए। और यार एक तो ये बहुत चलाता है यार, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए पहले इतने पेड़ नहीं थे यार, अब तो बहुत ज़्यादा पेड़ और पत्थर ही पत्थर हो चुके हैं। और इससे हमें देखते हैं क्या मिलता है। ओके तो इससे हमें थैच और वुड ही मिलेगा, वैसे पेड़ है तो थैच और वुड ही मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं हमें और कौन कौन से जानवर मिलते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं सामने एक फ्लाइंग डायनासोर घूम रहा है, लेकिन यार ये छोटू सा, और हमें छोटू सा डायनासोर नहीं चाहिए, हमें चाहिए बड़ा जिसकी हम राइड कर सकते हैं। ओके तो देख सकते हैं हम यहाँ पर हमें मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए उसका खाना। उसका खाना क्या है, उसका खाना है मछलियाँ। तो यार हम यहाँ पर आकर पहले तो पकड़ेंगे मछलियाँ। तो यार सबसे पहले हम अपना सिलेक्ट करते हैं एक हथियार। तो यार स्पेयर बहुत अच्छी है पानी में वार करने के, बस कोई और ख़तरनाक सा डायनासोर ना आ जाए यहाँ पर, मतलब इसमें यार सांप भी है बहुत ही ख़तरनाक से सा। ओके तो सामने एक मछली हमें दिख चुकी है, तो इसे हम अभी मारते हैं और इसे हमें मिलेगा यार खाना। ओके तो जा कहाँ पर रही है अबे किधर गई, अबे यार मछली। ओके तो ये रही, तो यार ये हो चुकी है ख़त्म, और इससे हमें मिलेगा फ़िश का मीट जो कि फ्लाइंग डायनासोर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम ही आ जाना, तुम क्या कर रही है। ओके तो इससे भी हमने कलेक्ट कर लिया अभी, और देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर मिलता है, क्योंकि वो फ्लाइंग डायनासोर मछलियाँ ज़्यादा खाता है, आपको तो पता ही है। ओ यार मुझे लगता है सामने, नो वे यार, मुझे लगा वो फ्लाइंग डायनासोर है, लेकिन वो फ्लाइंग डायनासोर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं अपने डायनासोर की ओर। तो यार ये डायनासोर्स तो कुछ हमें करते नहीं, मतलब ये अच्छे वाले डायनासोर्स हैं, इसलिए मैं इनको पकड़ पाया। अगर कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला था तो वो तो मेरी मैंड बजा देता ना। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। ओके तो पहले तो हम कलेक्ट करते हैं अपना हाथ, मतलब सिलेक्ट करते हैं अपना हाथ, और अब चलते हैं उस साइड थोड़ा सा, मतलब इस साइड यार वो बहुत ज़्यादा फिरते रहते थे, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं यार, हम देखेंगे कहीं ना कहीं तो हमें वो मिल जाएंगे, मतलब मिलने पर चाहिए यार, इतना बड़ा
जंगल आई हो और यहाँ पर कोई ना, ओके तो पहले सामने आप देख सकते हैं ऊपर एक डायनासोर उड़ रहा है, लेकिन वो इस साइड नहीं आएगा, अभी इस साइड आ जाना है। अगर इस साइड वो आ गया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ओके तो पहले सामने एक डायनासोर दिख रहा है हमें, ये फ्लाइंग डायनासोर हमारी और ही बढ़ा रहे, लेकिन वहाँ पर कुछ खतरनाक से डायनासोर भी हैं। निकलो यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर साइन भी आ गया, मैं डेंजरस एरिया में एंटर हो चुका हूँ। अबे भागना क्यों रुक रहा है भाई, मरने का ख्याल है क्या तुम्हारा? अबे यो क्या, राइट में आप देख सकते हो ये एक डेंजर डायनासोर है। अबे इसकी पे इसकी भाग से, अबे भैंस की टांग, ये तो मार रहा है, अबे ये तो मार देगा हमें भाई साहब। ओके लेकिन हमारा डायनासोर भी कम नहीं है यार, साले मैं ही दिखा गया था तुझे। अबे मार इसको भाई मार, ओके मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार इसको मारने की, और ये सिर्फ 3 लेवल का ही है, लेकिन हमारा डायनासोर थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, इसलिए हम इसको मार तो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें, इसने हमारा स्टैमिना बहुत ज़्यादा कम कर दिया। भैंस की टांग तेरी तो साले नहीं छोड़ूंगा तुझे, तो मैं कुछ भी हो जाए तू तो गया मेरे हाथों से आज, आज भाई लोग मैं इसे मार कर ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए इसको तो मैं मार कर ही रहूँगा। अबे यार क्या कर रहा है भाई, मार उसको तेरी तो भैंस की टांग। तो यार लगता है मुझे अब नीचे उतर कर इससे लड़ना होगा, मतलब हमारा डायनासोर आई थिंक ये इसको मार ही देगा यार, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसको मारने की। साला तेज़ है यार ये, बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये वही डायनासोर जो पिछली बार आपने देखा था, मतलब आप देख सकते हैं ना हमें पिछले एपिसोड में भी ये डायनासोर देखा था, लेकिन मैं इससे बच रहा था। अबे साले तेरी तो भैंस की टांग, किधर है साले तू आ, इसने यार हमारे डायनासोर को मार दिया है। तो हम कोशिश तो करते हैं इसको मारने की, तो भाई लोग आई होप हम इसे मार पाएंगे। साला बहुत ज़्यादा भाग रहा है ये तो यार, रैप्टर है यो, भाग, हम भागने की कोशिश करते हैं इससे, लेकिन साला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यार यो। हम यहाँ पर अपने वाले डायनासोर को भी नहीं बुला सकते, तेरी तो भैंस की साले, आजा आजा आप, तो देखा जाएगा भाई जो होगा देखा जाएगा। ओके तो इसके मैंने एक मार दिया, मैं इसको वैसे पकड़ना चाहता हूँ, हम दूसरा हथियार ही अपना सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यार ये बनने वाला है, चलो कोई बात नहीं। आई होप कि हम इसे मार पाएंगे, ओके तो अब ये बहुत ही जल्दी मरने ही वाला है बस, अबे साले मर जाना। 16 लेवल 3 का ये भाई लोग, और मरने का नाम ही नहीं ले रहा, भैंस की टांग तेरी तो, मर जा भाई। मैं बाहर पे बाहर करता जा रहा हूँ, और जिधर भी ये जाएगा बस इसके लगती जाएगी अभी, तेरी तो भैंस की, मर जाना। ओके तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है अभी, लेकिन भैंस की टांग मर नहीं रहा, अबे मर जा तेरी भैंस की, कहाँ मर गया? अगर मेरे पास कोई और अच्छा भी डायनासोर होता तो मैं ऐसे मर पाता अभी, लेकिन हमारे पास कोई अच्छा डायनासोर नहीं है। मुझे पता तो इधर से ही आएगा, तेरी तो भैंस की टांग। इधर है, यार ये बहुत तेज है भाई लोग, अगर ये तेज ना हो तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। साले ने हमें मार दिया भाई लोग, तो भाई लोग इसने हमारा कर दिया है बहुत ज़्यादा बुरे वाला हाल, लेकिन हम फिर से रिस्पॉन करेंगे और इसको मारेंगे। ओके तो भाई लोग हम होते हैं रिस्पॉन दोबारा से, बस वो फिर से वो हमें ना मिल जाए तो अच्छी बात होगी। ओके तो यहाँ पर कोई खतरनाक वाला डायनासोर तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर मरे भाई लोग, हमारे वाला बेस कहाँ पर है? ओके तो हम देख सकते हैं कि हम इस बार फिर रहे हैं कहीं और पे ही। ओके तो भाई लोग हम हैं अपने पुराने वाले जगह पे, और भाई लोग ये कौन फिर से हम डेंजर एरिया में घूम रहे हैं, और निकलो यहाँ से, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमारा फिर से भरता बना दिया जाएगा यहाँ पर। ओके तो हम चलते हैं यहाँ से, और ये छोटू यहीं पर फिर रहे हैं, साला वो पता नहीं कहाँ से आ गया यार वो, और उसने हमारा काम तमाम कर दिया, हमारा भी और हमारे उस बेचारे
डायनासोर का भी यार, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने उसकी बहुत ज़्यादा राइड किया भाई लोग, लेकिन यार अब वो हमारे बीच में नहीं रहा। चलो कोई चिंता की बात नहीं है, हम फिर से पकड़ लेंगे। लेकिन यार मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ इस बार कहाँ पर घूम रहा हूँ। मुझे अपना वो दिखाई नहीं दे रहा बेस, जहाँ पर मैंने बनाया था बेस, किस साइड बनाया था मुझे कुछ याद नहीं है अभी ध्यान से। क्योंकि यार ये जंगल बहुत ज़्यादा, अब इसकी भैंस की मैं किधर आ गया हूँ भाई लोग। सामने कुछ तो दिख रहा है मुझे, रेड रेड सा क्या है। तो यार आज की रात हम यहीं पर ही गुजारेंगे और फिर चलते हैं हम अगले, मतलब आगे जहाँ पर हमें अपना बेस मिलेगा। कहते तो भाई लोग फाइनली मुझे पता चल गया है कि हमारा बेस कहाँ पर है। हमारा बेस है वो सामने, वो देखो हमारे डायनासोर्स भी वहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन साला वो पागल कहीं का वहीं पर घूम रहे हैं अभी भी। तो हम थोड़ा सा इस साइड से चलेंगे। आई होप कि हमें पानी में कोई ख़तरनाक सा डायनासोर ना मिल जाए, तो वही अच्छी बात है यार। अगर पानी में कोई हमें डायनासोर मिल गया तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इस टाइम कोई अच्छा सा वेस्ट भी नहीं है, मतलब आर्मर वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी। तो वो पागल कहीं का इधर ही भग करा रहे और निकलो। और भाई लोग मैं भग रहा हूँ, आई होप कि वो पीछे ना आ जाए। अगर वो पीछे आ गया तो मैं सभी डायनासोर्स उसके पीछे लगा दूंगा साला। कुछ वजह हम उसको मार कर ही रहेंगे आज, मतलब मारेंगे नहीं यार, मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ। मारने से अच्छा होता है पकड़ना, और पकड़ कर उसके साथ हम घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गएंगे और क्या। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कोई अच्छा सा डायनासोर, अब इनमें से कौन सा डायनासोर लेकर जाएं यार, क्योंकि ये लड़ने वाले डायनासोर्स में से नहीं है यार। ये बेचारे थोड़े बहुत अच्छे डायनासोर्स हैं, और ये बेचारा उसका सामना क्या ही करेंगे। लेकिन ये हमारी हेल्प कर सकता है, और ये लेवल 16 का भी है। लेकिन वो इसकी ऐसी की तैसी कर देगा मुझे पता है ना। उसने हमारे इतने अच्छे डायनासोर को मार दिया, तो यार ये तो उसके सामने क्या ही होगा। तो हम कोशिश करते हैं उसको अपने और खींचने की और यहाँ पर लाकर फंसाने की। इसके सामने हमें कुछ अच्छा सा बेस, मतलब एक ट्रैक वगैरह बनाना होगा, वही हम इसको पकड़ पाएंगे। तो हम सबसे पहले तो बनाते हैं ट्रैक, ट्रैक यहीं पर ही हम बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे मैं आपको भी बता देता हूँ यार। पहले तो हम अपने आप को लूटना चाहेंगे, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ पर मरा हूँ इस टाइम, और वो तो है ही नहीं साला, वो खा गया यार उसको मुझे लगता है ऐसे। ये रैप्टर, मतलब ये रैप्टर तो हमारा अब पेट बनेगा। कुछ भी हो जाए मैं इसको पकड़ कर ही रहूँगा यार, पकड़ कर ही दम लूँगा। लेकिन वो कहाँ पर गया साला पागल, तो दिख तो नहीं रहा यार वो आसपास। तो वो देखो एक फ्लाइंग डायनासोर घूम रहा है। तो यार मुझे पहले तो अपने के लिए एक अच्छी सी वेस्ट बनानी होगी, और ये घूम रहा साला पागल कहीं का। तो यार आई थिंक पास में भी कोई ख़तरनाक सा है, मतलब ख़तरनाक सा डायनासोर घूम रहा है पास में भी, क्योंकि वो तो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है। और वो इधर ही आ रहा है, नहीं वो पीछे मुड़ गया। चलो अच्छी बात है वो पीछे घूम चुका है। और यार हमें अपने लिए एक अच्छा सा वेस्ट बनाना होगा। तो यार ये बनाया हमने पैंट, और फाइबर की कमी है। चलो कोई बात नहीं यार, फाइबर तो हमारे पास वैसे पड़ा होगा, इसकी कोई बात नहीं। ओके तो पहले तो हम इसे करते हैं कोई। ओके तो यार ये मुझे यार एक ही बात का डर है कि वो ऊपर ना आ जाए। अगर वो ऊपर आ गया तो वो हमारी बैंड बजा देगा। सर ने एक बार मार दिया हमें बहुत ज़्यादा। यार मैं तो कह रहा हूँ इसको हम मारते हैं, कुछ भी हो जाए हम इसको भी पकड़ते हैं यार। लेकिन हमारे पास वेपन्स तो भी नहीं है ना यार, पता नहीं वो साला उसको हमारा क्रिएट कहाँ पर है, जो कि हम मरे हैं। आई थिंक वो वहीं पर सब सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि इस टाइम हमारे मुझे लगता है यार हमें सब कुछ बनाना ही पड़ेगा फिर से न्यू से। साला बहुत ज़्यादा नुकसान कर गया यार वो तो हमारा। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास वैसे बहुत कुछ अभी पड़ा भी होगा। ओके तो भाई लोग एक तीर हमारे पास यहाँ पर पड़ा है, और ये पड़े हुए मतलब दीवारें पड़ी हुई हैं थैच की। तो ये हमारे पास फाइबर और थैच बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके तो ये एक ग्लेल भी है, हम उसको मतलब ऐसे तो हम उसको पकड़ नहीं सकते, हमें यार ट्रैप ही बनाना होगा, कुछ बजाय हमें ट्रैप बनाना ही होगा। ओके तो इसमें कुछ था आई थिंक, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है। तो यार सबसे पहले हमें बनानी होगी कुछ ऐसे दीवारें, और मतलब जो नीचे का होता है फ्लोर, ये सब हम बनाएंगे। हमारे पास सामान तो वैसे बहुत ज़्यादा कम है यार भाई लोग, बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि जो कुछ भी था वो सब उसके पास था, जो कि हमारा पेट था, और उसने उसे मार दिया यार। बहुत ज़्यादा बुरा किया रैप्टर ने। इससे तो मैं बदला लेकर रहूँगा, कुछ भी हो जाए बदला तो हम इससे लेकर ही रहेंगे। देखते हैं इनमें से किसी के पास कुछ है या नहीं है। अबे इसकी भैंस की, मुझे इसका क्रिएट चेक करना था। और सामने एक, ओके तो ये तो यार ये तो बुरा नहीं है वैसे। तो यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं यार, उस साइड एक फ्लाइंग डायनासोर घूम रहा है, और मैं कोशिश करूँगा फ्लाइंग डायनासोर को पकड़ने की। तो सबसे पहले तो हम कुछ करते हैं इन्वेंट, वो क्या करेंगे क्राफ्टिंग में जाएंगे, और इसको बनाने के लिए चाहिए 3 हाइट। ओके ओके 3 हाइट हमारे पास साइड पड़ा है। अबे तेरी भैंस की चलाना नहीं है, मुझे उतार। ओके बोलो हमारे पास 3 हाइट पड़ा हुआ है इसमें, और हम कोशिश करेंगे कि हाइट को उठाएंगे और बनाएंगे हम उसका ट्रैप। ओके तो बोलो मैं ट्रैप बना कर ही आपको अभी मिलता हूँ। कुछ रेडी कर लिया अभी, और देखते हैं वो फ्लाइंग डायनासोर यहीं कहीं घूम रहा है। ओके तो ये हमारे पास में ही आ गया यार, तो इसको हम यहीं पर ही पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना जो भी बनाया हमें सब कुछ वो सिलेक्ट करते हैं, तो इसको करते हैं यूज़। ओके तो वो कहाँ पर है, तो इसकी भैंस की ये टूट गया। अभी रुक जा ना यार प्लीज़ भाई लोग, प्लीज़ रुक जा।
यहीं पर ही, तेरे तो भैंस की टांग साले कमीने। चलो कोई बात नहीं यार, वो भी भग गया साला, पता नहीं क्यों भग गया। आई थिंक यहाँ पर कोई और भी जानवर है, और ये मुझे लगता है यहीं पर रुकेगा रुकेगा। अगर रुकेगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी, हम ये इसको यहीं पर पकड़ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुक रहा यार। और इसका खाना भी था जो मछली वगैरह, वो भी हमारे दूसरे क्रेट में ही रह गया। चलो कोई बात नहीं यार, हम पहले इसका खाना ही ढूंढेंगे, और इसका खाना ढूंढने के लिए हमें फिर से जाना होगा यार नदी के पास। और अगर हम नदी के पास जाएंगे तो वो पागल कहेंगे हमारा क्या हाल करेगा, वो तो आपको पता ही है। पता नहीं साला कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, क्या करने आया था वो, मुझे उसका कोई समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं यार, हम देखते हैं कि वो आसपास ही घूम रहा है या कहीं और है, क्योंकि अगर वो कहीं और घूम रहा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। अगर पास में होगा तो इसकी भैंस की तेरी तो साले पागल। चलो यार कोई बात नहीं, जो हमारे साथ तो ऐसा होता ही रहता है। चलो मेरा आज के लिए बस इतना ही यार, होप ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई कमेंट में सुनाना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। इससे भी अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा यही पर ही, इसी चैनल पर बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है यार। तो भाई लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय और टेक केयर।